हेलो, फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त अज्ञेय महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ डायबिटीज़ और डिप्रेशन के बारे में। थॉमस विलिस करके एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिशियन। 17वें शतक में उन्होंने ये कहा कि निराशा और उदासीनता के कारण डायबिटीज़ होता है। ऐसा उन्होंने उस समय कहा था कि डायबिटीज़ का प्रमुख कारण जो है वो निराशा उदासीनता है। डिप्रेशन के पेशेंट को 1.5 से 2 गुना ज़्यादा गति से डायबिटीज़ होने का चांस है। डिप्रेशन के पेशेंट डायबिटीज़ जल्दी डेवलप हो सकता है बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तनाव की वजह से, मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस है, नर्वसनेस है, डिप्रेशन है क्रॉनिक, तो उसके वजह से मोटापा और डायबिटीज़, ये बीमारी जल्दी हो सकती है। ऐसा भी साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्चेस में बताया हुआ है। क्या होता है कि मानसिक बीमारी जिनको है वो बैठा काम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है, उसमें वो धूम्रपान यदि करते होंगे, खाने पीने में कमियाँ होंगी कुछ, बराबर बैलेंस डाइट नहीं लेते होंगे, और बैठा काम करना, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, ये कारण यदि हो गया तो मानसिक रोगियों को डायबिटीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अपार्ट फ्रॉम डिप्रेशन। मोटापा जिनको है उनको 25% ज़्यादा गति से डिप्रेशन या एंग्जाइटी होने का चांस है, उनको मौका है ज़्यादा गति से डिप्रेशन एंग्जाइटी होने का। और डायबिटीज़ यदि पेशेंट को है तो डायबिटीज़ के पेशेंट में, वो लोगों में, डायबिटीज़ के पेशेंट लोगों में 11 से 12% डिप्रेशन दिखाई देता है। अभी डायबिटीज़ में, सिर्फ डायबिटीज़ में डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन के साथ साथ एंग्जाइटी होती है, मतलब तनाव, चिंता होती है। उसके साथ साथ उनको फिर शुगर की मात्रा खून में ज़्यादा बढ़ने से सेक्सुअल प्रॉब्लम भी उनको होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण से खून में शक्कर बढ़ती है, उसके कारण फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होता है, हार्ट प्रॉब्लम भी उनमें डिवाइड, मतलब ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट लोगों में डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हार्ट प्रॉब्लम है, दिल के दौरे ज़्यादा, मतलब जल्दी आ सकते हैं, सेक्स प्रॉब्लम है। फिर इसके वजह से दवाई चुनने में हमको बहुत तकलीफ हो जाती है कि दवाई कौन सी चुनना। डायबिटीज़ के पेशेंट को हाथ पैर में आग अंगार होती रहती है न्यूरोपैथी होने के कारण कुछ लोगों में, तो वो भी उसके लिए फिर दवाई हमको देनी पड़ती है, और वो दवाई यदि देते हैं तो इधर सेक्सुअल प्रॉब्लम भी ज़्यादा दिखाई देता है, वो दवाई के कारण भी हो सकता है, मतलब उसके साइड इफेक्ट है दवाई के। अब यह सब बैलेंस करके हमको देखना है कि भाई दवाई कौन सी दे जिससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिससे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो दवाई डालना पड़ता है। कुछ दवाई ऐसी है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए कि उसमें सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ दवाई ऐसी है कि यदि हार्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड है तो हार्ट प्रॉब्लम, फिर वो दवाई दे सकते नहीं, तो ऐसा सब तोल मोल के दवाई उसमें देना पड़ता है, और डिप्रेशन का इलाज ये डायबिटीज़ के लोगों में करना पड़ता है। क्या होता है कि डायबिटीज़ का पेशेंट जो है उसको वैसे ही इंसुलिन लेना है या उसको एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेने का है, उससे वो परेशान हो जाता है। खून तपासो, शुगर बार बार चेक करते जाओ, और उसको एक इनकैपेसिटेटिंग लगता है कि भाई अपन ऐसे जकड़ गए, अपने को फ्रीली नहीं कर सकते, खाने पीने में बहुत बंधन है, और उसमें उसको फिर नर्वसनेस, सैडनेस ज़्यादा आने की संभावना है, उससे ज़्यादा फिर एंग्जाइटी आती है। हर डायबिटीज़ के पेशेंट को ये देखना चाहिए कि उसको डिप्रेशन है क्या, और हर डिप्रेशन के पेशेंट को देखना चाहिए उसको डायबिटीज़ हो रहा है क्या, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा है। यदि मोटापा है तो मोटे लोगों को भी, मतलब जो जिनके बहुत ज़्यादा वजन है उनको डायबिटीज जल्दी होने का चांस है, और डायबिटीज जल्दी होता है तो उनको डिप्रेशन भी जल्दी हो सकता है। तो यह सब मद्देनजर रखते हुए डिप्रेशन और डायबिटीज़ का बहुत करीब का रिश्ता है, और उसमें सतर्क रहना चाहिए, और अपना अपना इलाज लोगों ने ठीक मात्रा से बराबर करके, अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन के अलावा साइकोथेरेपी, मानसोपचार, फिर हिप्नोथेरेपी, और फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसे अलग अलग काउंसलिंग के जो तरीके हैं या साइकोथेरेपीज है वो करते हैं तो जल्दी डिप्रेशन अच्छा हो सकता है और अच्छे जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ डिप्रेशन भी आ रहा है, तो लोगों को ये शेयर करो, उनको जानकारी दो, ताकि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये जो हमारा संकल्प है उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा, आप भी हमारे पार्टनर उसमें बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।